Hi guys, how are you? Welcome back to my channel Mananya, and I'm up with a new recipe. So this one is a third recipe. Again, this one is of raw mangoes, Kacchi Kairi recipe. So इस recipe में हम देखने वाले हैं Kacchi Kairi की चटनी कैसे बनाते हैं. इसको basically मराठी में बोलते हैं मेथाम्बा, क्योंकि इसमें मेथी दाने डलते हैं. तो I guess हम recipe की तरफ तुरंत मुड़ते हैं और recipe start करते हैं. So guys, ये है कटा हुआ आम जो मैं आपको बोल रही थी. ये मैंने लिया है लगभग एक कटा हुआ आम कच्चा, बट ये दो लोगों के लिए काफ़ी है तो मैं उसी हिसाब से चटनी बनाऊंगी. और ये है तड़के की तैयारी, कड़ी पत्ता, राई, जीरा, मिर्ची, और ये होगा गुड़ जो हमको इसमें डालना है. जिस हिसाब से कैरी खट्टी होगी उस हिसाब से हमको इसकी क्वान्टिटी डिसाइड करनी है. तो मैंने अब इस साइड में कढ़ाई डाल दी है, हल्का सा तेल डाला है, और इसमें मैं तड़का लगाऊंगी और मैं इसमें हींग और हल्दी दोनों भी चीज़ें डालूंगी और ये तड़के की पूरी तैयारी मैं इसमें ऐड कर दूंगी. तो ये हो गया हमारा तेल गरम. मैं इसमें डालूंगी सबसे पहले जीरा, राई, फिर कड़ी पत्ता. कड़ी पत्ता हल्का ज़्यादा होगा क्योंकि इसका स्मेल काफ़ी अच्छा लगता है. मिर्ची, और जैसे मैंने आपको बताया इसमें मेन इंग्रेडिएंट है ये मेथी. तो मेथी दाने हम हमेशा ज़्यादा लेंगे. ये करीबन 1 टीस्पून मेथी दाने हैं, तो मैं वो इसमें डालूँगी, इसको मिक्स कर लूँगी. इसमें तेल ज़्यादा नहीं डालना है क्योंकि ये ऑयली नहीं दिखना चाहिए, बस हमें तड़के तक का तेल डालना है. जैसे ये हमारा हल्का सा रोस्ट हो गया, हम इसमें डालेंगे हल्का सा हींग और फिर हल्दी. मेथी अच्छे से ब्राउन होनी चाहिए, उसके बाद ही हमको ये इंग्रेडिएंट्स इसमें डालने हैं. इसको वापस मिक्स करके लेना है. और फिर इसमें डालनी है कच्ची कैरी. इसमें हम हल्का सा पानी डालेंगे. और फिर इसमें डालेंगे गुड़. इसको हम अच्छे से पकने देंगे 10-15 मिनट तक, जब तक ये पूरी कैरी गल ना जाए. इसमें इसको धीमी आंच पे ढक के भी आप रख सकते हैं ताकि ये जल्दी पक जाए. सो गाइस, ये हो गया कुछ इस तरह से. आप देख सकते हो कैरी पूरी गल चुकी है इसमें, और ये खट्टा मीठा लगता है और हल्का सा तीखा होता है अगर हम मिर्ची डालते हैं तो. और आप इसमें लाल मसाला भी डाल सकते हैं, मिर्ची पाउडर. ज़रूरी नहीं कि आप हरी मिर्ची डालें, बट मैं हरी मिर्ची प्रेफर करती हूँ. इसके बाद हम डालेंगे इसमें नमक, बिकॉज़ ये इसकी लास्ट स्टेज है, ये ऑलमोस्ट बन चुका है. तो मैं इसमें डालूँगी हल्का सा नमक, इसे मिक्स कर दूँगी. इसको 2 मिनट तक धीमी आंच पे ढक के रख दूंगी, और उसके बाद हो गए हमारी डिश रेडी. सो गाइस, ये हो गई है रेडी, और आप देख सकते हैं ये काफ़ी टैंगी स्पाइसी लग रही है. इसको मैंने अभी टेस्ट तो किया नहीं है, बट ये इसे आप इस तरह से फ्रिज में भी डब्बा पैक करके रख सकते हैं. ये आराम से 2-3 दिन अच्छे से रहती है, और इसको आप चपाती के साथ खा सकते हैं, खाने में एक चटनी की तरह, एक अचार की तरह, क्योंकि ये खट्टी मीठी होती है और ये काफ़ी अच्छी होती है. मेथी डालने से इसका स्वाद, और कड़ी पत्ता डालने से इसका स्वाद काफ़ी अच्छा आता है, इसमें एक अच्छा सा स्मेल आता है.
आपको जिस हिसाब से तड़का पसंद है आप उस हिसाब से क्वांटिटी बढ़ा सकते हैं। मुझे तड़का बेसिकली काफ़ी पसंद है, मेथी, जीरा, कड़ी पत्ता, ये मुझे काफ़ी पसंद है, तो मैंने उसकी क्वांटिटी ज़्यादा डाल दी है। अगर आपको कम लगता है तो आप कम डाल सकते हैं, नहीं तो आप क्वांटिटी वहीं वैसे ही रख सकते हैं जैसे मैंने आपको दिखाई थी। ऑल फॉर मेथम्बा रेसिपी, द कच्ची कैरी चटनी रेसिपी, आई होप आपको ये पसंद आई होगी और आप इसको घर में ज़रूर ट्राई कीजिए। बेसिकली हमारे पास ऐसी कैरियाँ होती हैं जो ज़्यादा पकी हुई थी, तो यू कैन इवन यूज दोज एंड ट्राई दिस रेसिपी। तो आई होप आपको ये पसंद आया होगा, और पसंद आया होगा तो प्लीज़ इट करिए लाइक और सब्सक्राइब माई चैनल। सब्सक्राइब एंड टिल देन सी यू, बाय।